तो चलिए बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ इन रेडिएशन पे। ये कुछ खास नहीं है बल्कि यही बताना चाहता है कि गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। अगर कोई सरफेस है, कोई मटेरियल है मान ले, वो अगर ज्यादा अब्जॉर्ब करता हो तो वो ज्यादा एमिट भी करेगा। देखिए ये डिटेल्स में नहीं मैंने बताया यहां पर, आगे इस पे और चर्चा करेंगे। फिलहाल मोटे मोटे तौर पे किरचॉफ्स लॉ इन रेडिएशन यही कहता है। तो अगर एक इंट्यूशन हम ग्रो करना चाहे कि गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स ऐसा क्यों है, तो मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ रेडिएशन इस पे इंसिडेंट कर रहा है मान ले, तो अगर ये इस पूरे रेडिएशन का कुछ ही पार्ट अब्जॉर्ब करे, मान ले कि ये आधा अब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन का, उसी के साथ अगर मान ले एक और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रहे जिसमें कि सेम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ये उसका 1/3 ही स्टोर कर पाता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर दोनों सेम टेम्परेचर में हो, दोनों का ही सर्कमस्टांसेस सेम हो, और मान ले दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है, मान ले यहां पर 3 एनर्जी पैकेट इसने अब्सॉर्ब किया, बल्कि यहां पर 2 एनर्जी पैकेट इसने अब्सॉर्ब किया, तो इसका जो अब्सॉर्प्टिव पावर है, इसका अब्सॉर्प्टिव पावर ये कम होगा और इसका जो अब्सॉर्प्टिव पावर है ये ज्यादा होगा। अब अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना चाहे तो जो भी ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है इसे छोड़ना तो होगा। ये जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उस एनर्जी को ये मास में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। जब ये इसे मास में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ये एनर्जी पैकेट के तौर पे ही रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर ये अब्सॉर्ब करे, चूंकि इसका अब्सॉर्प्टिव पावर ज्यादा है, तो ये चूंकि ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा तो एक समय आएगा इसके पास बहुत 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 ज्यादा एनर्जी रहेगा और रिलेटिवली इसके पास कम रहेगा। ये कब तक स्टोर करेगा उस एनर्जी को, इसे रिलीज तो करना ही होगा। ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं इसे ज्यादा रिलीज करना होगा एनर्जी, वरना ये एनर्जी का एक डंप हो जाएगा, ये एक सिंक हो जाएगा एनर्जी का, जो कि इम्पॉसिबल है। जब तक एनर्जी मास में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक ये इतना एनर्जी को कैसे स्टोर करके रखेगा। एनर्जी का जो प्रोपेगेशन होता है ये तो रैंडम होता है, स्टोकेस्टिक होता है, प्रोबेबिलिटी इसके पास ज्यादा है कि ये इसे रेडिएट कर दे, इसके पास कम प्रोबेबिलिटी है रेडिएट करने का, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ पैकेट्स है, एनर्जी पैकेट्स है। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी पैकेट्स होंगे वो ज्यादा रेडिएट करेगा, ये हमने पहले प्रेवोंस थ्योरी में भी देखा था, हीट एक्सचेंज थ्योरी में भी देखा था कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वो ज्यादा रेडिएट करेगा, ये बहुत सिंपल है। उसी तरह से मान ले कि एक बॉडी है जो कि एनर्जी को क्रिएट करता हो, जैसे कि सन, सूरज, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एनर्जी क्रिएट होता है। तो अगर आप इस तरह के बॉडीज को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि वो खुद से एनर्जी को क्रिएट करता है और यहां कोई एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा, बाहर से जितना आ रहा ये उसी एनर्जी को छोड़ दे रहा है। उसी तरह से अगर आप कंपेयर करें इन सब को ब्लैक होल्स के साथ तो वो भी अच्छा कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल क्या करता है, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद क्या करता है हमें नहीं पता, लेकिन वो उसे एमिट नहीं करता है। तो जो भी हो, कंपैरिजन ऐसा होना चाहिए, फेयर कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरिजन कुछ सिमिलर काइंड ऑफ चीजों के साथ होना चाहिए कि जो एनर्जी को ना तो अब्सॉर्ब कर ले पूरी तरह से और कभी ना छोड़े, और ना ही वो एनर्जी को क्रिएट करे। तो अगर इस तरह से हम कंपेयर करते हैं चीजों को, तो हम ये पाएंगे कि जो ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा वो ज्यादा एमिट भी करेगा, और जो कम अब्सॉर्ब करेगा वो कम एमिट करेगा। तो ये तो था एक इंट्यूशन किरचॉफ्स लॉ पे। अब देख लेते हैं इसे हम प्रॉपरली कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपरली अगर कहें तो किरचॉफ्स लॉ ये स्टेट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर और अब्सॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है फॉर अ सर्टन वेब लेंथ, दैट मीन हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल अब्सॉर्प्टिव पावर की बात कर रहे हैं। सो किसी भी बॉडी के लिए उस किसी खास वेबलेंथ का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल अब्सॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है,
किसी एक खास टेम्परेचर में ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है। तो मान ले कि हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं, एक तो ये वाला ऑब्जेक्ट मान ले और एक ऑब्जेक्ट ये पिंक कलर का ऑब्जेक्ट है और एक ब्लैक बॉडी, क्योंकि फाइनली हम कंपेयर करेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी के साथ, तो एक ब्लैक बॉडी। तो तीनों में अगर सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट करे, बिल्कुल सिमिलर इंसिडेंट करना चाहिए रेडिएशन। अब जो ये रेडिएशन होगा इसमें तरह तरह के वेवलेंथ्स होंगे, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कुछ एक खास वेवलेंथ पे, तो यहां पर अलग अलग वेवलेंथ्स इंसिडेंट करेंगे, पर हम एक खास वेवलेंथ एग्जांपल के तौर पे मान ले कि 200 नैनोमीटर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उस वेवलेंथ पे सिर्फ। इंसिडेंट तो बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशन कर रहा है, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन 200 नैनोमीटर पे है, अर्थात हम एक स्मॉल बैंड कंसिडर करेंगे 200 नैनोमीटर से, फॉर एग्जांपल 200.001 नैनोमीटर, क्योंकि हमें एक छोटा सा बैंड कंसिडर करना पड़ता है। इससे पहले हमने स्पेक्ट्रल अब्सॉर्प्टिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पढ़ा था, जिसे कि हम ये भी कहते हैं अब्सॉर्प्टिव पावर फॉर अ सर्टन वेवलेंथ और एमिसिव पावर फॉर अ सर्टन वेवलेंथ। उन टॉपिक्स में हमने देखा था कि हमें एक छोटा सा रेंज, एक पतला सा रेंज कंसिडर करना पड़ता है वेवलेंथ का। तो जो भी हो इस पे हमने काफी चर्चा कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन है छोटा सा वेवलेंथ के बैंड में और वो वेवलेंथ है लैम्डा। सो हमारा कंसंट्रेशन है लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक। तो ये वेवलेंथ के जो रेडिएशन है वो इन तीनों में बराबर इंसिडेंट कर रहा है, बाकी भी बराबर इंसिडेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर इंसिडेंट रेज है तीनों में, सरकमस्टांसेस तीनों का सेम है, तीनों का टेम्परेचर सेम है। तो अब मान ले इसका अब्सॉर्प्टिव पावर है ए वन, इसका अब्सॉर्प्टिव पावर है ए टू, और इसका अब्सॉर्प्टिव पावर है, ब्लैक बॉडी का अब्सॉर्प्टिव पावर है ए बी, जो कि बराबर होता है वन के। अब एब्सॉर्प्टिव पावर, हम स्पेक्ट्रल एब्सॉर्प्टिव पावर की बात कर रहे हैं, अर्थात इस रेंज में जो रेडिएशन होगा उसे एब्सॉर्ब करने की पावर की बात कर रहे हैं, और इनका एमिसिव पावर को अगर आप कंपेयर करें इसी रेंज के वेवलेंथ के लिए, तो एमिसिव पावर है मान ले ई वन और इसका एमिसिव पावर है ई टू, और इसका ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो है ई लैम्डा, चलिए मान लेते हैं ई लैम्डा फॉर ब्लैक बॉडी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो होगा एमिसिव पावर और एब्सॉर्प्टिव पावर का, तीनों सेम टेम्परेचर में है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर हम ये कह दें कि तीनों का टेम्परेचर जो है ये सेम है और तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो एमिसिव पावर और एब्सॉर्प्टिव पावर का रेशियो है ये इन तीनों के लिए बराबर होना चाहिए। सो ई टू ओवर ए टू, जो कि बराबर होना चाहिए इस ब्लैक बॉडी के लिए भी ई लैम्डा डिवाइडेड बाय, जो कि इसका एमिसिव पावर है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है इस रेंज के लिए, डिवाइडेड बाय इसका जो अब्सॉर्प्टिव पावर है जो कि है ए बी, हमने माना था ए बी। पर यहां पर देखिए ए बी क्या है, एब्सॉर्प्टिव पावर इसका क्या होता है, इसका एब्सॉर्प्टिव पावर मैक्सिमम होता है, ये पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है, सब एब्सॉर्ब कर लेता है, जो भी आप इसे दे ये एब्सॉर्ब कर लेगा, हाँ बाकी बाद में ये एमिट कर देगा उसे, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता है और ट्रांसमिट भी होने नहीं देता है, ये सीधे उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ये वन के बराबर है, तो ये हो गया वन। तो ये बना क्या, देखे ये बन गया ई लैम्डा, अर्थात इसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, किसका, ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर फॉर वेवलेंथ ऑफ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, देखे इन दोनों के लिए जो रेशियो है ये सेम है, किसका रेशियो, एमिसिव पावर और एब्सॉर्प्टिव पावर का फॉर अ सर्टन वेवलेंथ एट सेम टेम्परेचर, ये बराबर हो जाता है किसके साथ, ये बराबर हो जाता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के, और एमिसिव पावर ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है फॉर द सेम रेंज, सो इसके एमिसिव पावर के बराबर हो जाएगा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के। अब इसे हम मैथमेटिकली प्रूव करने का कोशिश करेंगे, उसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक एनक्लोजर,
सो यहाँ पर ये हो गया एक एनक्लोजर। इस एनक्लोजर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान ले ये एक सर्टेन टेम्परेचर में है, तो ये है एनक्लोजर। और इसी तरह से एक और एनक्लोजर की जरूरत पड़ेगी हमें। सो ये दूसरा एनक्लोजर, इसमें हम ब्लैक बॉडी रखेंगे। सो पहले एनक्लोजर में हमने रखा एक ऑब्जेक्ट। सो यहां पर रखा गया एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट कर रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम कितना, डी क्यू एनर्जी। डी क्यू एनर्जी फॉर द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, अर्थात ये सारे वेवलेंथ्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा इस रेंज की बात कर रहे हैं। इस रेंज के जितने भी वेवलेंथ्स यहां इंसिडेंट कर रहे हैं उसका टोटल एनर्जी इतना है जो कि पर यूनिट टाइम अर्थात पर सेकेंड और पर यूनिट एरिया इंसिडेंट कर रहा हो। उसी तरह से अगर सेम कंडीशन में ये टी टेम्परेचर में है, अगर ये एनक्लोजर भी टी टेम्परेचर में हो, और यहां हम अगर एक ब्लैक बॉडी रखते हैं, उसी तरह का एक ब्लैक बॉडी रखा गया यहां पर, तो चूंकि ये बॉडी जो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है ये इस एनक्लोजर में जो क्रिएट हो रहा है रेडिएशन, उसे ये अफेक्ट नहीं करेगा, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि जो रेडिएशन यहां पर इंसिडेंट कर रहा है इसी रेंज का, वो भी होगा डेल्टा क्यू, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि ये इस एनक्लोजर के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इतना एनर्जी इस रेंज के वेवलेंथ के लिए यूनिट एरिया में, इस ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया में यूनिट टाइम इंसिडेंट कर रहा है, तो यहां भी ये जो है ये यूनिट एरिया में इंसिडेंट कर रहा है। अब हमने माना कि इसका जो अब्सॉर्प्टिव पावर है ये अब्सॉर्प्टिव पावर है ए लैम्डा। सो ये स्पेक्ट्रल अब्सॉर्प्टिव पावर है, अब्सॉर्प्टिव पावर फॉर दिस रेंज ये इतना है, और ये तो ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। सो इसका जो अब्सॉर्प्टिव पावर होगा इस केस में ये 1 के बराबर होगा, और इसका जो एमिसिव पावर है जो ये एमिट कर रहा होगा, इसका एमिसिव पावर फॉर दिस रेंज ये है लैम्डा। तो इससे आगे देखें हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय दिस बॉडी, सो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय दिस बॉडी, जो इस बॉडी की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ये किसके बराबर हो जाएगा, देखें ये एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ये होगा, जैसे कि हमें पता है कि अगर इतना एनर्जी इंसिडेंट करता हो और अगर उसका एब्सॉर्प्टिव पावर इतना हो तो कितना वो एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्प्टिव पावर इनटू एनर्जी। सो ए लैम्डा डेल्टा क्यू इतना एनर्जी ये एब्सॉर्ब कर लेगा। अब एमिट कितना करेगा, एनर्जी एमिटेड, सो एनर्जी एनर्जी एमिटेड, ये जो पिंक कलर से हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, एनर्जी एमिटेड। हाँ यहां जो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और एनर्जी एमिटेड की बात कर रहे हैं, ये पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं और पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। यहां देखिए डी क्यू जो एनर्जी है वो यूनिट एरिया में इंसिडेंट कर रहा है, पूरे ऑब्जेक्ट पे नहीं, यूनिट एरिया पे, और ये पर सेकेंड इंसिडेंट कर रहा। तो जो हमने यहां पर लिखा है एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, यह एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये भी है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी एमिट कितना करेगा, ये एनर्जी एमिट करेगा ये पर सेकेंड ई लैम्डा डी लैम्डा थ्रू यूनिट एरिया। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने डिफाइन किया था किसे, ई लैम्डा को, दैट मीन स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को। जब हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को डिफाइन करते हैं, जैसे कि ई लैम्डा इस केस में, सो ई लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इन द रेंज, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एनर्जी जो ये एमिट कर रहा है लेकिन खास वेवलेंथ के लिए, किस वेवलेंथ के लिए, इस वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है, या फिर उसका रेट ऑफ रेडिएशन जो है, सो एनर्जी जो ये रेडिएट करेगा इन द रेंज लैम्डा
टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस रेंज के वेवलेंथ के लिए जितना एनर्जी का एमिशन का रेट होगा इसका थ्रू यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, ये है उसका डेफिनेशन। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा जो रेडिएशन का रेट है अर्थात एनर्जी एमिट करने का रेट है थ्रू यूनिट एरिया फॉर दिस रेंज। सो हम कह सकते हैं एनर्जी एमिटेड फॉर दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा। एनर्जी एमिटेड क्या है, पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, ये ध्यान दे दोनों में ये है एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और एनर्जी एमिटेड। अब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे ये, फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, सो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए एनर्जी ये जितना अब्सॉर्ब करेगा उतना ही इसे छोड़ना भी होगा। कहने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट चूंकि टी टेम्परेचर में है तो इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा नहीं क्योंकि सराउंडिंग्स का भी टेम्परेचर देखे टी ही है, उसी तरह से इसका भी टेम्परेचर टी ही है ब्लैक बॉडी का भी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए लैम्डा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा, इससे आगे यहां पर कह सकते हैं हम ई लैम्डा ओवर ए लैम्डा अर्थात एमिसिव पावर फॉर लैम्डा वेवलेंथ और अब्सॉर्प्टिव पावर फॉर लैम्डा वेवलेंथ इसका रेशियो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डी लैम्डा। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होंगे क्योंकि देखिए डी क्यू जो है ये इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इस एनक्लोजर का बिहेवियर है ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, और ये जो डी लैम्डा है ये भी इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। अर्थात इसके जगह अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो भी डी लैम्डा और डेल्टा क्यू ये दोनों सेम होता। तो हम कह सकते हैं ये जो टर्म है ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा जो कि है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। हाँ, यहां देखने वाली बात यह है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दें तो ये पूरा का पूरा टर्म चेंज हो जाएगा क्योंकि डेल्टा क्यू चेंज हो जाएगा। जो टेम्परेचर अभी मान ले 300 केल्विन में है तो कुछ रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है, अगर 500 केल्विन में होता तो ज्यादा रेडिएशन इंसिडेंट करता पर यूनिट एरिया, तो ये डेल्टा क्यू का वैल्यू चेंज हो जाता। इसीलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन पे तो वहां एक टर्म था एट सेम टेम्परेचर, इसीलिए दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अब अगर आप इस ब्लैक बॉडी को देखें तो आप ये पाएंगे कि जो इसका एमिसिव पावर होगा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वो कितना होगा, इसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगा अगर आप देखें ये अगर डेल्टा क्यू अब्सॉर्ब कर रहा होगा इस रेंज के वेवलेंथ के लिए तो इसे थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस रेंज के वेवलेंथ का इतना एनर्जी रेडिएट कर देना होगा पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया। तो ये कितना रेडिएट कर रहा, ये डेल्टा क्यू ही रेडिएट कर देगा। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस ब्लैक बॉडी के लिए जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगा, सो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी ये बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू ओवर किस रेंज की बात कर रहे हैं हम, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो एनर्जी एमिटेड या रेट ऑफ रेडिएशन थ्रू यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वेवलेंथ का जो हम एक नैरो स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं वो डी लैम्डा, सो डिवाइडेड बाय डी लैम्डा। सो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है जो कि इसके बराबर है और ये चूंकि इसके बराबर है तो किसी भी बॉडी के लिए किसी एक खास टेम्परेचर में किसी भी बॉडी के लिए जो एमिसिव पावर और अब्सॉर्प्टिव पावर का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और वो बराबर होता है उसी टेम्परेचर में एक ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के, जो कि हमने यहां बात किया है इस पे। तो ये था किरचॉफ्स लॉ इन रेडिएशन।